वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इतना ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ अपने किचन का जो लुक है उसको बहुत खूबसूरत बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक एल ई डी लाइट जो कि सिर्फ़ बीसरम की मुझे मिली है और उससे इतना ज़बरदस्त लुक आ गया था किचन का और मैं लेके आई थी एक हार्डवेयर की शॉप से और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है क्योंकि इसके नीचे लगा होता है स्टिकी टेप तो बस उसको हटा के तो आप अपनी जगह सेलेक्ट करें और वहाँ पे उसको लगा लें तो मैंने इस तरह से ये फ्रंट पे लगाया था तो बहुत ही ख़ूबसूरत लग रहा था और वीडियो की जो क्वालिटी है अब ज़्यादा अच्छी लग रही है लाइटिंग की वजह से तो बहुत ही ख़ूबसूरत लग रहा था तो ये आप भी ज़रूर करें इन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है इससे बहुत खूबसूरती आ जाती है आपके किचन के लुक में या कहीं पे भी घर का कोई भी कोना हो उसको मतलब उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लाइट जो है ना बहुत अच्छा काम करती है ये है संडे मॉर्निंग और मैं बना रही थी नाश्ता और आज नाश्ते में मैंने एक बॉईल किए थे साथ में था बटर ब्रेड जैम लगाया था मैंने तो बस इस तरह से मैंने नाश्ता सर्व किया था और साथ में मैंने टी केक भी ये बनाया था तो अंडे बॉयलिंग पे मैंने रख दिए साइड में और ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था अपर लोअर दोनों रॉड्स वो मैंने ऑन कर दिए थे यहाँ पे मैंने मोल्ड निकाल दिया है अब ये जो बटर पेपर है इसको मैं इसके साइज़ का कट कर लूँगी और इसको इसके ऊपर बिछा लूँगी और ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस करके साइड में रख दूँगी आजकल मेरा वीक में दो बार केक ज़रूर बनता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और शाम को चाय के साथ भी चल जाता है समटाइम सुबह में भी यूज़ कर लेती हूँ मैं ये मेरी छोटी सी डॉल भी आ गई है मेरे साथ मेरी हेल्प करने तो ये मेरे साथ साथ ही रहती है किचन में यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और ये डालूंगी और साथ ही इसकी शुगर जाएगी वन कप ब्राउन शुगर जाएगी इसमें हाफ़ कप मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड की थी इसको बस दो मिनट्स के लिए मैंने आ, मिक्स किया था और साथ में इसके जाएंगे तीन अंडे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए कोशिश कीजिएगा कि रूम टेम्परेचर पे ही हों क्योंकि ठंडे होंगे अगर फ्रिज से निकाल के आप डालेंगे तो केक जो है अच्छी तरह से राइज नहीं होगा इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि शुगर जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और यहाँ पे 50 ग्राम मैंने बटर लिया था आ, हाफ कप जो है मैंने दूध लिया था इन दोनों को थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया इनको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही ये कार्डमम एसेंस है अक्सर डालती हूँ केक्स में क्योंकि वैनिला एसेंस का इतना इस्ट्रॉग फ्लेवर होता है कि बाकायदा फील हो रहा होता है समटाइम अच्छा नहीं लगता तो बस उसके मैं कुछ कतरे ही डालूँगी दो तीन कतरे और बाकी जो है वन टी स्पून भर के मैंने कार्डमम एसेंस डाला है इलायची वाला एसेंस जो होता है वो डाला है उससे जो है ना केक का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है तो बस इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर अगर आप लोगों के पास व्हीट फ्लोर है तो आप वो ऐड कर दें ब्रेड फ्लोर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं तो ये टू एंड हाफ कप मैंने इसमें शामिल किया है बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी साथ में जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पे साथ साथ अमल भी मुझे हेल्प करवा रही थी काफ़ी केक बीटिंग में उसने मेरी हेल्प की और यहाँ पे मैं वन टेबल स्पून दही शामिल करूँगी और थोड़ा सा दही का जो पानी था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था इससे जो केक है बहुत अच्छी तरह से राइज होता है बहुत अच्छा सॉफ्ट सा केक बनता है वैसे तो बटर मिल्क वाला स्टेप जो है हमेशा एंड में किया जाता है पर मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि मुझे शुगर को डिज़ोल्व करना था मैंने उसको पहले डाला तो मुझे बहुत ज़्यादा बीटिंग नहीं करनी पड़ी बस मैंने थोड़ा सा ही मिक्स किया था और ये बिल्कुल रेडी हो गया था जब तक अंडे बॉयल हो रहे थे तो ये केक बेटर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया था बस इसको मैं अब मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी तो यहाँ पे पूरा मिक्सचर मैंने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है अब इसको थोड़ा सा टेप टेप करेंगे और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है ओवन को मैंने पहले से ही ऑन कर लिया था पर लोअर दोनों रॉड ऑन कर ली थी मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रखा है इसको मैं 35 मिनट्स के लिए रखूँगी साथ साथ मैं चेक भी करती रहूँगी तो जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैं बच्चों को नाश्ता दे दूँगी तो यहाँ पे मैं अंडे जो है पील कर लूँगी साथ, साथ ब्रेड भी मैंने अदर साइड रख दी है टोस्टर में डाल के आजकल दुबई का वेदर बहुत ज्यादा गर्म हुआ हुआ है बाहर तो निकल ही नहीं सकते बाहर निकलो तो पता लगता है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है घर में तो बिल्कुल भी फील नहीं होता पर बाहर निकलने के बाद ही पता लगता है ये बहुत ही शदीद गर्मी है और कहीं जा भी नहीं सकते मतलब आउटडोर एक्टिविटी कोई भी नहीं है आजकल बस अगर कहीं लेके भी जाना होता है बच्चों को तो बस मॉल लेके जाते हैं या सिटी सेंटर वगैरह लेके जाते हैं आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहर में कैसा है मौसम बारिशें हैं नहीं है गर्मी है कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों के शहर में कैसा वेदर है और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो तो फ्रेंड्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे जान के बहुत खुशी होगी वैसे इंडिया से तो बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं और उनको मैं सलाम भी करती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स तो यहाँ पे नाश्ता मैंने बच्चों को करा दिया था और अदर साइड मैंने सोचा साथ साथ में क्लीनिंग भी करती जाऊँ तो ये थोड़े से बर्तन पड़े थे मैंने सोचा वॉश कर लेती हूँ और जब तक केक जो है बेक हो रहा है तब तक मैंने ये किचन का भी फाइनल जो काम था ख़त्म कर लिया था okay. कुकिंग करते वक्त साथ साथ अगर हम क्लीनिंग भी करते रहते हैं तो बहुत ही जो किचन है ऑर्गेनाइज रहता है बिल्कुल भी फैलता नहीं बहुत अच्छा नीट और क्लीन रहता है और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता तो ये काम भी मैं साथ साथ कर रही होती हूँ तो यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लिए मैंने और आफ्टर थर्टी मिनट्स में आ गई थी केक चेक करने टूथ पे के ये डाल के देखूँगी कि हो गया है कि नहीं तो अभी थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा था और साइड से उसको कलर भी चेंज करना था तो मैंने आ, जो लोअर रॉड थी वो ऑफ कर दी थी और अपर रॉड जो है पाँच मिनट्स के लिए मैंने ऑन कर दी थी तो ये कलर आ गया था तो पाँच मिनट के बाद मैंने ओवन चेक किया तो केक कम्प्लीटली बेक हो गया था फाइनली एक बार मैंने सोचा फिर से चेक कर लेती हूँ टूथ पिक की मदद से कि अंदर से अच्छी तरह से बेक हो गया है कि नहीं तो ये देखें टूथ पिक बिल्कुल क्लीन निकली है इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली रेडी है तो इसको मैंने बस ठंडा कर लिया था अब इसको मैं कट करके आप लोगों को दिखाऊंगी so delicate तो यहाँ पे मैंने इसको स्लाइस कर लिया है और इसमें मैं रख दूँगी फूड कंटेनर में बंद करके इसको चाहें तो आप डाइनिंग टेबल पे भी बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं मुझे ये दो दिन चलाना था तो मैं इसमें डाल के तो फ्रिज में रख दूंगी और बाकी का जो है मैं बाहर रख लूँगी वैसे हम दो दिन बाहर रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिन चलाना है तो आप फ्रिज में ज़रूर रखें इसको तो ये हो गया था डन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना था और बहुत ही ज़बरदस्त टी केक की रेसिपी है ये हॉट मिल्क टी केक और इस तरह का जो केक होता है बहुत मज़े का लगता है चाय के साथ आप इसके साथ मीठे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी खा सकते हैं बहुत मज़े का बनता है तो बस बाकी जो बच गया था मैं फूड कंटेनर में डाल के तो वो यहीं पे काउंटर टॉप पे रख लूँगी किचन में तो वीडियो यहीं तक थी और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी और मेरे किचन का न्यू लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अब लेती हूँ इजाज़त अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग